गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द बुक सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ जीवन संस पब्लिकेशंस। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द टॉपिक क्लोज्ड सेट। दिस टॉपिक इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ ओपन सेट। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो स्टडी carefully the topic open set and revise all illustrations based on it. Definition: let A be any subset of R, then A is said to be closed set if and only if complement of A is open set. Complement हम कैसे define करते हैं? R में से A के elements को minus करके जो elements बचेंगे। तो कोई सेट क्लोज्ड कब कहलाता है? जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो? ओपन। और ओपन सेट की डेफिनेशन आप स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी सम इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। अब आपने पढ़ा था कि जो सेट आर ऑफ रियल नंबर्स है वो क्या होता है? ओपन। अब हम प्रूव करेंगे कि ये सेट क्लोज्ड भी है। क्यों? क्योंकि आर का कॉम्प्लीमेंट, मतलब आर में से आर सबट्रैक्ट कर दो 5। आप स्टडी कर चुके हैं कि 5 ओपन सेट होता है, इसलिए आर आपका क्या हो गया? क्लोज। तो अब आपको पता चल गया आर आपका क्लोज्ड और ओपन बोथ है। 5 को अब हम क्या प्रूव करेंगे कि क्लोज्ड सेट है, क्योंकि 5 का कॉम्प्लीमेंट आर माइनस 5 यानी कि आर, जो कि ओपन सेट है, इसलिए 5 क्लोज्ड। तो अगर आपको ऐसा एग्जांपल देना हो किसी सेट का जो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, तो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं आपके पास आर और 5। अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि क्लोज्ड जो इंटरवल है वो क्लोज्ड सेट होता है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। तो देखो, अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड मिसिंग हो गया था, देखिए जरा नंबर लाइन पे, इधर है आपका माइनस इन्फिनिटी, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, और ये है पॉइंट आपका प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे क्लोज इंटरवल ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब इस पार्ट को डिलीट कर देना है। तो आपका ओपन इंटरवल बी से इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ए, इन दोनों की यूनियन आएगी। और आपको पता है ओपन सबसेट्स की यूनियन क्या होती है? ओपन सेट। तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ओपन आ गया, इसलिए सेट क्या प्रूव हो गया? अब हमें प्रूव करना है कि ये सेट क्या होगा? क्लोज। अब जरा ध्यान से देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से ए पर क्या है? क्लोज्ड। ये ऐसे, ये इधर है माइनस इन्फिनिटी और ए से क्या है आपका सेट? क्लोज्ड। और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? ए से ओपन और इन्फिनिटी तक ओपन सेट। अब क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसलिए ओपन सेट है, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये हो जाएगा, ये जो सेट है ये आपका क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बी इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ बी पर क्या बन जाएगा? क्लोज्ड। ये सेट ओपन है लेकिन ये सेट क्लोज्ड है, तो इनकी यूनियन ओपन नहीं हो सकती, इसलिए सेट क्लोज्ड नहीं होगा। अब ओपन इंटरवल ए बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बनेगा ये दोनों सेट आपके ओपन नहीं है। अब अभी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, तो आपका कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं होगा? क्लोज्ड नहीं होगा, इसलिए आपका ओपन इंटरवल ए भी ओपन सेट नहीं बनेगा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मैं देखो कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ, 3, 4, 5 का कॉम्प्लीमेंट है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3, क्योंकि 3 तो वहाँ इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल 3, 4, ओपन इंटरवल 4, 5, ओपन इंटरवल 5, 2, सारे ओपन इंटरवल हैं, तो सारे ओपन सेट हैं, तो इनकी यूनियन भी ओपन सेट होगी। तो अगर क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो सेट क्या हो जाएगा? क्लोज। तो आपके पास बेसिक सा एक रिजल्ट बन गया कि जो भी फाइनाइट सेट हैं वो आपके क्लोज होंगे, ओपन नहीं होंगे। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्लोज सेट प्रूव हो जाएगा। 1, 2, 3 है, इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। आपने आर माइनस एन को पीछे प्रूव भी किया था कि ये ओपन सेट है, वैसे भी आप इसको प्रूव कर चुक सकते हैं, या आप इसके कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख कर, सारे आपके ओपन है, उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया और एन क्या हो गया? क्लोज्ड। इन ए सिमिलर वे आप जेड को क्लोज्ड सेट प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, क्यू जो रैशनल नंबर्स का सेट है
वो नाइदर ओपन नोर क्लोज्ड सेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा इरेशनल नंबर्स जो कि ओपन नहीं है, इसलिए सेट क्लोज्ड नहीं है। सिमिलरली जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा सेट ऑफ रैशनल्स जो कि ना तो ओपन है और ना ही क्लोज्ड, इसलिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसे सेट का जो नाइदर ओपन और क्लोज्ड है। अब आर माइनस एन, आर माइनस एन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा कि आर में से एन माइनस किया था, अब जो जो है उसमें से माइनस करना तो उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा एन जो कि ओपन नहीं है तो ये क्लोज्ड सेट नहीं होगा। आर माइनस आई, आई मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, कि आर में से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले तो इरेशनल नंबर आ जाएंगे जो कि ओपन सेट नहीं है तो इसलिए क्लोज सेट नहीं होगा। सेम फॉर आर माइनस क्यू एंड आर माइनस आई, यहाँ पर शायद थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये रिजल्ट आर माइनस जेड के लिए होना चाहिए क्योंकि आर माइनस आई का केस इसने आगे डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, आर माइनस जेड आपका क्लोज्ड सेट नहीं है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट जेड बनेगा जो कि ओपन सेट नहीं है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ओपन इंटरवल 2, 3 यूनियन 4, 5, इसमें 2 और 3 ओपन इंटरवल है, फिर आपका 0.4 है और फिर 5 है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज्ड आ जाएगा, फिर 2 से 3 तक के सारे पॉइंट्स उसमें आ गए, 3 पर क्लोज्ड, 4 पर ओपन, 4 टू 5 ओपन और 5 टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए, ये दोनों तो ओपन हैं लेकिन ये दोनों ओपन नहीं है तो यूनियन भी ओपन नहीं होगी तो ये क्लोज सेट नहीं होगा। अब आपके पास सिंपल रिमार्क्स हैं कि फाई और आर ऐसे सेट्स हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल नाइदर ओपन नोर क्लोज्ड, और इसी में एग्जांपल क्यू और आपका आई है। ठीक है, सिंपल सी एक दो थ्योरम्स हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। कि आपने क्या कहा है कि एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, हमने आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स ले ली। आपको शो करना है कि इन सभी का इंटरसेक्शन यानी कि एफ भी क्या है, क्लोज्ड सेट। किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हमें उसे के कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूव करना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हर एफ लैम्डा क्लोज्ड सेट है तो मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। आपने ओपन सेट के कॉन्सेप्ट में एक थ्योरम की थी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो जितने भी ये सारे ओपन सेट हैं इनकी यूनियन क्या होगी, ओपन। अब एक ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है, इसमें क्या होता है कि यूनियन करूँ मैं एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट की, तो अगर मैं इस यूनियन को कॉम्प्लीमेंट के अंदर लेकर जाऊँ तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगी और बाहर लेकर आऊँ तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी। तो मैं अब इसको कॉम्प्लीमेंट पूरे पर लगाना है, मतलब यूनियन अंदर गया तो वो क्या बन गया, इंटरसेक्शन। अब जितने भी एफ लैम्डास की इंटरसेक्शन है उनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये जो अंदर वाला सेट है ये सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। और यही हमें प्रूफ करना था और आपका रिजल्ट कंप्लीट। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। तो मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले लिए f1, f2, fn और इनकी यूनियन ले ली f। अब आपको प्रूफ करना है f कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट। अब क्योंकि f1, f2, fn क्लोज्ड हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। आपके पास रिजल्ट है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो होती है ओपन सेट की होती है, ओपन। तो मैं सभी का इंटरसेक्शन कर लूँ तो ओपन होगा। और डिमॉर्गन लॉ से हमें कॉम्प्लीमेंट पूरे पर लगाना है तो इंटरसेक्शन जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यूनियन। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा सेट ओपन है तो ये जो अंदर वाला सेट उसका कॉम्प्लीमेंट वाला ये क्या होगा, क्लोज। और यही आपको प्रूफ करना था। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ तो हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया और यहाँ फाइनाइट यूनियन, कि मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो क्लोज्ड नहीं आ रहा। उसके लिए हम एग्जांपल कर रहे हैं, द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स मे नॉट बी ए क्लोज्ड सेट। तो इसके लिए मैंने fn डिस्कस किया, क्लोज्ड इंटरवल 1/n(2). कैसे एलिमेंट्स हैं इसमें, देखो 2 तक जाना है, पहला एलिमेंट क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2।
फिर आपका 1/2 से 2, फिर 1/3 से 2, ऐसे चलते जा रहे हैं। अब अगर मैं इन सबकी यूनियन करूँ तो 1/n की जो वैल्यू है टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आ जाएगी 0। तो सभी का यूनियन देखो, f1 और f2 का यूनियन करूँ तो क्या आ गया, क्लोज्ड इंटरवल 1/2 से 2। फिर f1 f2 f3 का करूँ तो देखो इन तीनों का यूनियन करें तो क्लोज्ड इंटरवल 1/3 से 2। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये तो रहेगा फिक्स, और ये वाला वे एलिमेंट लास्ट में पहुंचते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n पर जाएगा, और जिसकी वैल्यू आएगी 0। जो वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर होती है उस पर आप हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, और आपको अब ये क्लियर है कि ये जो सेट है आपका क्लोज नहीं है, इसलिए आर्बिट्रेरी यूनियन जो है क्लोज सेट की क्लोज नहीं है। ये रिजल्ट ओपन और क्लोज सेट के बीच में रिवर्स होता है। जब आप ओपन का पढ़ते हैं तो वहाँ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन सेट की ओपन नहीं होती, यहाँ आर्बिट्रेरी यूनियन पे ये रिजल्ट अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट ए सबसेट ऑफ ए क्लोज्ड सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, कि क्लोज्ड सेट का सबसेट आपने प्रूव करना है कि क्लोज्ड नहीं है, कुछ आपने याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्यू ले लो सबसेट आर का, आर क्लोज्ड है क्यू क्लोज्ड नहीं है, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो। या इसने क्लोज्ड इंटरवल का ओपन इंटरवल सबसेट ले लिया। ए सेट कंटेनिंग ए क्लोज्ड सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, तो अब देखियो क्लोज्ड इंटरवल 3-4 क्लोज्ड है, इसका सुपर सेट कोई भी ओपन इंटरवल बना दो, आपको एग्जैक्टली लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो क्लोज्ड है लेकिन ये सुपर सेट क्लोज्ड नहीं है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी क्या हो जाती है, कंप्लीट। थैंक यू।